Na mãe da bebê, cara. दहशतगर्दों के खिलाफ घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। बीते कुछ महीने में जवानों ने कई आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने दो और दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। बता दें कि जम्मू संभाग के जिला डोडा में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। डोडा के दंदोह इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। सेना अधिकारी ने दो आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है, साथ ही कुछ और आतंकवादियों के जंगल में छिपे होने की खबर है, जिसके लिए सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि डोडा के गंदोह इलाका घने जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है। ऊपर से यहां रुक रुक तेज बारिश भी हो रही है, फिर भी जवानों के हौसले बुलंद हैं और बाकी छिपे दो आतंकियों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि डोडा में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच कई बार अलग अलग जगहों पर संदिग्ध देखे जाने की भी सूचना मिल रही थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। लेकिन आज बुधवार को गंदोह इलाके में फिर संदिग्ध देखे जाने के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और सख्त घेराबंदी देकर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसके जवाब में मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें दो आतंकी ढेर हो गए। 11 जून को इन आतंकवादियों ने नाका पार्टी पर हमला किया था। दहशतगर्दों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें सेना के 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए थे, जिसके बाद से ही सेना के जवान इनकी तलाश में जुटे थे। और जैसे ही हाथ लगे, सेना के जवानों ने 2 से तो हिसाब पूरा कर लिया, साथ ही बाकियों की तलाश में जुट गए हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।